आज की जो पहली लंच रेसिपी है उसके लिए मैंने यहाँ पे उठाया है भसेड़ जिसे हम सिंधी में बीह भी कहते हैं और इंग्लिश में लोटस स्टेम कहते हैं आप क्या कहते हो अपनी लैंग्वेज में जरूर बताइएगा कमेंट करके तो मैंने इसको छील लिया और कुछ इस तरह से ना पतले पतले इसकी आ, स्ट्रिप्स मतलब पीसेस इसके जो है ना तिरछे तिरछे कट कर रही हूँ इसको अच्छे से धो लेंगे इसमें कई बार मिट्टी भी होती है तो अच्छे से धो लें उसके बाद कुकर में डाल देना है उसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी जस्ट हल्दी डाल दे रही हूँ मैं कुकर का ढक्कन लगा देंगे और चार सीटीज को लगा देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए तो जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक चलिए हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो यहाँ पे तेल मैंने तीन चम्मच गरम कर लिया उसमें एक तेज पत्ता डाल दिया साथ ही तीन प्याज मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए डाल दिए अब इसको हमें भुनना है अच्छे से जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए उतना तो जब तक ये ब्राउन हो रहा है यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक एक छोटी सी हरी इलायची दो लौंग और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया जिससे कूट रेडी कर लेंगे लहसुन आप दस बारह कली ले लीजिएगा एक इंच अदरक का टुकड़ा ले लीजिएगा और ये मैंने कूट उसी के साथ मैंने एक हरी मिर्ची पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है और इसको भी अच्छे से हम कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे उसके बाद पीसे हुए टमाटर इसमें डाल देंगे तो लगभग चार टमाटर मिक्सर में पीसे हुए हम डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे मिक्सअप करके इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और नमक मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दे रही हूँ अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और जरा ऐसा पानी डाल दे रही हूँ मैं ताकि ये ग्रेवी जो जले ना और ढक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पर जो कुकर है अच्छे से ठंडा हो चुका है सीटी लगने के बाद मैंने बंद कर लिया था और जो हमारे भर से ना बॉयल हो चुके हैं यहाँ पे मैंने पैन उठाया पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ इसको हमें शेलो फ्राई करना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उबले हुए भी आप ग्रेवी में डाल सकते हो लेकिन अगर जब आप फ्राई करके इसको डालोगे ना तो बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है बीच बीच में ग्रेवी को ज़रूर से चेक कर लें और यहाँ पे देखिए मैं इसको शेलो फ्राई कर ले रही हूँ ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है बस ये जैसे ये शेलो फ्राई होंगे ना तो हम ये वाले जो भसेड़ है वो ग्रेवी में मिक्सअप कर लेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई कर लिया टेस्ट बहुत बढ़िया आता है एक बार बना के ज़रूर से देखिएगा अब बार बार बनाकर खाना पसंद करोगे ये सब्ज़ी अब थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है ताकि अच्छे से जो ये भसेड़ है ना इसको हम अच्छे से मिक्सअप कर सके थोड़ा पानी डाल दिया और ये सारे जो भसेड़ है ना इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं दो मिनट हम इसको भून लेंगे उसके बाद थोड़ा सा किचन किंग मसाला और गरम मसाला जस्ट थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने ऊपर से डाल दिया है और ये सेड़ जो है हमारी सब्जी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है लास्ट में ऊपर से बारीक कटे हुए हरे धनिए डाल देंगे और आप चाहो तो कसूरी मेथी भी ऊपर से आप डाल सकते हो कैसी लगी सब्जी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और चलिए देखते हैं हमारी अगली रेसिपी जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच घी का गरम कर लिया है कुकर में इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच जीरा थोड़ी सी हिंग एक चुटकी जितनी उसके बाद तीन हरी मिर्चियाँ बारीक कटी हुई मैंने डाल दी है इसमें इसमें मैं लाल मिर्ची का यूज़ नहीं करूँगी इसलिए हरी मिर्ची ज़्यादा डाली है मैंने एक बड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसको भून लेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको भून लेते हैं तो जब तक तो यहाँ बुनाई हो रही कमेंट करके ज़रूर से बताएगा कौन सी सिटी से आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ पालक तो एक किलो से थोड़ी सी कम है ये पालक पालक को अच्छे से वॉश कर लें और बारीक चॉप कर लें उसी के साथ यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ मेथी तो एक कप भरा हुआ मेथी का बारीक कटा हुआ इसमें ऐड कर दिया मैंने अब अच्छे से मिक्सअप करेंगे जब तक कि अच्छे से श्रिंक नहीं हो जाती इनका पानी जो है पूरा रिड्यूस नहीं हो जाता है पालक मेथी पानी छोड़ते हैं ना तो पूरा ये देखिए अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद कुछ मसाले हल्दी वन फोर टीस्पून मैंने डाल दिए धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दें और अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें टमाटर डालने वाली हूँ अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हो आप ऐसे भी इसको खा सकते हो और लेकिन मुझे टमाटर इसमें अच्छा लगता है तो मैं डालती हूँ चार से पाँच टमाटर मिक्सर में पीसे हुए डाल दिए मैंने मिला के अब टमाटर को पकाना है हमें तो ढककर छोड़ देंगे चार पाँच मिनट में ये बढ़िया से तैयार हो जाती है सब्ज़ी और अच्छे से ये सूख जाए उतना आपको इसको पकाना है तो जब तक ये सूख रही है मैं यहाँ पे लहसुन कूट रही हूँ तो दस से बारह कली लहसुन की मैं कूट रही हूँ इसमें तड़का लगाने के लिए बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है पालक हमारी सूख चुकी है अब चलिए तड़का लगा लेते हैं तो आधा चम्मच घी का गरम कर ले रही हूँ मैं और इसमें डाल देंगे कुटी हुई लहसुन और आपके पास हरी लहसुन अवेलेबल हो तो हरी लहसुन का तड़का लगेगा बहुत बढ़िया लगता है तो इस विंटर में आप ये ट्राई कर सकते हो पालक मेथी बहुत अच्छी मिल रही है अभी मार्केट में तो ज़रूर से ट्राई करें तो ये सब्ज़ी थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी ताकि अच्छे से ये तड़का जो है मिक्सअप हो जाए अब ये तड़का पूरी सब्जी में मैंने डाल दिया अच्छे से मिला देंगे और बस सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है और इसके साथ मैंने ना जवार के आटे की रोटी बनाई थी बहुत टेस्टी बनती है ट्राई जरूर से कीजिएगा और पूरी रेसिपी जवार के आटे की रोटी की मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है तो ज़रूर से देखिएगा मेरे पेज पर पे आप ये अगली रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे एक चम्मच घी कुकर में गरम कर लिया है इसमें डाल देंगे एक छोटे चम्मच जितना जीरा एक छोटा चम्मच ही राई के दाने डाल दिए तीन हरी मिर्ची स्लेट की भी डाल देंगे या फिर बारीक चॉप करके डाल सकते हो कुछ कड़ी पत्ते इसमें डाल देंगे अब इसमें कुछ वेजीज डाल हुई कि मैंने लौकी थोड़ी सी डाल दी है गाजर एक पीसेस कट किए हुए साथ ही शिमला मिर्च एक बारीक कटा हुआ बीन्स है मेरे पास वो भी मैंने डाल दी और फूलगोभी इसके भी छोटे छोटे पीसेस मैंने ऐड कर लिए तो जो वेजेज़ आपके पास अवेलेबल हो ना आप डाल दीजिएगा इस रेसिपी में बहुत मस्त लगते हैं एक चुटकी जितनी हींग मैं पहले डाला भूल गई थी अभी डाल दी हल्दी आधे चम्मच से थोड़ी सी कम एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच जितनी लाल मिर्ची तीखी वाली है और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे इसमें अब सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे वेजीज के साथ तो दो मिनट आप इसको भून लें बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है उसके बाद इसमें डाल देना है टमाटर तो चार टमाटर मिक्सर में पीसे हुए इसमें डालना है और अच्छे से भून के इसको टमाटर को पका लेना है जैसे टमाटर पक जाए उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ ब्राउन राइस जिसको मैंने लगभग आधा घंटा पहले भिगो के रखा था आधी कटोरी जितना और लगभग थ्री फोर्थ कटोरी जितनी पीली मूंग की दाल उसको भी मैंने सेम टाइम पे भिगो के रखा था तो ब्राउन राइस और पीली मूंग दाल की ये मैं खिचड़ी बना रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी और हेल्दी बनती है थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पाव भाजी मसाला एक चम्मच जितना जिससे टेस्ट एकदम बहुत बढ़िया आएगा ट्राई करके देखिएगा बच्चों को भी ये खिचड़ी बहुत पसंद आएगी अब पानी डाल देंगे इसमें तो खिचड़ी पतली अच्छी लगती है तो जितना पानी कुकर में आया मैंने डाल दिया कवर करके इसको लगाएंगे हम तीन सीटी मीडियम फ्लेम पे ब्राउन राइस को पकने में क्योंकि टाइम लगता है और अच्छे से कुकर ठंडा हो गया उसके बाद मैंने इसको खोल लिया हमारी खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार है बहुत टेस्टी यामी डिलीशियस बनती है तो कैसी लगी आज की तीनों रेसिपीज़ आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें पेज पर नया पेज को फॉलो करें यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ट्राई जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग जय श्री गणेश वाई गुरु जी